हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएफसीआई। दोस्तों, मैं अर्जुन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आपका जो एनटीपीसी का एग्जाम है वो डिले क्यों हो रहा है और इसकी जो प्रोसेस है वो कितनी लंबी होती है। सो गाइस, वीडियो को पूरा देखना आप लोगों को। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए, आप लोगों के एग्जाम के डिले होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, इसके अलावा कोई नहीं है। अभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए वेंडर सेलेक्ट नहीं हुआ है। जब तक वेंडर सेलेक्ट नहीं होगा तब तक आपके एग्जाम की प्रोसेस नहीं होनी है, और वेंडर सेलेक्ट होने के बाद फिर आप लोगों का एप्लीकेशन स्टेटस आएगा, उसके बाद करेक्शन होगा उसमें, फिर एडमिट कार्ड आएंगे, तब जाके एग्जाम स्टार्ट। यानी लगभग 2 से 3 महीने तो अभी एग्जाम नहीं होने वाला। और हो भी सकता है कि अगर कोई ऐसी कंपनी को अभी वेंडर मिल जाए, वो प्रोसेस जल्दी भी करा सकती है, तो कह नहीं सकते हैं कि 2-3 महीने लगेंगे या उससे कम भी लग जाएं। सो ऑफिशियल डेट के बारे में कोई कन्फर्म नहीं है, जब नोटिफिकेशन आएगा आपको पता चल ही जाएगा। गाइस देखो, ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब 2015 में एनटीपीसी का हुआ था, मैं उसका थोड़ा सा आपको बता देना चाहता हूँ। एनटीपीसी जब 2015 में फॉर्म निकले थे तो उसका नोटिफिकेशन आया था 26 दिसंबर 2015 को, ठीक, यानी लगभग 2015 खत्म हो गया था। इसके 4 महीने बाद सीवीटी बन हुआ था, यानी कि 28 मार्च से सीवीटी वन स्टार्ट हो गए थे, तो यहाँ पर 4 महीने का टाइम लगा था। अब उस टाइम पे क्या था कि फॉर्म गए थे सिर्फ 92 लाख। 92 लाख फॉर्म जाने के बाद 4 महीने का टाइम लगा, तो आप खुद सोचो, इस बार तो 2.5 करोड़ के करीब फॉर्म अप्लाई हुए हैं, तो 4 महीने के कंपेरिजन में देखो तो कम से कम टाइम तो यहाँ पर लगना चाहिए ना। जैसे कि अब कई लोग सोच रहे होंगे एक साल भर होने वाला है, मार्च आने वाला है, इसी टाइम पर नोटिफिकेशन निकला था, तो प्रोसेस में टाइम लगता है। अगली चीज, एग्जाम होने के लगभग जब हम लोगों का सीबीटी वन कंप्लीट हुआ, अप्रैल में कंप्लीट हो गया था, अप्रैल 2016 में, इसके बाद 17 जनवरी 2017 को यानी लगभग 10 महीने बाद हम लोगों का हुआ था सीबीटी टू, और सीबीटी टू का रिजल्ट आते आते हम लोगों का लगभग 14 अक्टूबर के करीब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था 2017 में। अब खुद सोचो, 2015 का लास्ट था, यानी 2016 ही मान लो, तो 16 से 17 के लास्ट तक हम आ गए, यानी 2 साल हो गए हैं अभी तक। अब इसके बाद दिसंबर 2017 में हम लोगों का मेडिकल हुआ, और हम लोगों को फरवरी में, मुझे ध्यान है, मुझे 7 फरवरी 2018 को JRTI चंदौसी भेजा गया था ट्रेनिंग के लिए, वहां पर सीट फुल हो गई थी, इस वजह से हम लोगों को वापस आना पड़ा था। और उसके अगले 3 महीने बाद यानी 14 मई को मेरा फिर से ट्रेनिंग के लिए मैं वहां पर गया था, और मेरी ट्रेनिंग चली थी 3 महीने, मई से मैंने जून जुलाई अगस्त तक ट्रेनिंग की। इसके बाद अगस्त के लिए मैं लर्निंग के लिए किसी स्टेशन पर भेजा गया, और वहां पर भी जाके मैंने 3 महीने लर्निंग ली, तब जाके मुझे फाइनल मेरी जो पोस्टिंग है वो हुई थी 28 दिसंबर 2018 को। सो आप खुद समझें कि 26 दिसंबर 2015 को जिस चीज़ का नोटिफिकेशन निकला था, उसकी ज्वाइनिंग 28 दिसंबर 2018 को, यानी 3 साल लगे। तो यार खुद सोचो, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, प्रोसेस जल्दी कंप्लीट नहीं होने वाली है। और मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर इसका जो एग्जाम है अगर वो आज से 2-3 महीने बाद होता है, यानी कंप्लीट 1 साल हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद, तो आप लोगों को अभी कम से कम 2 साल और लगेंगे प्रोसेस कंप्लीट होते होते। तो इस बीच में और भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहें, ग्रुप डी भी है, ग्रुप डी पर भी थोड़ा फोकस करें। देखो, सबसे मेन चीज़ ये है कि यहाँ पर फॉर्म बहुत सारे अप्लाई हुए हैं, और रेलवे को आप एक साथ 2 एग्जाम कराने हैं, ग्रुप डी का भी कराना है, एक एनटीपीसी का भी, तो कॉमन सी बात है एग्जाम में काफ़ी टाइम लगेगा। अब गाइस, यहाँ पर आप में से कई ऐसे भी होंगे कैंडिडेट जो एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों का फॉर्म अप्लाई करके बैठे हुए हैं, और चाहते हैं कि कम से कम किसी एक में जॉब लग जाए। उन लोगों से मैं ये कहूँगा कि टोटल अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी पर रखें, क्योंकि कॉमन सी बात है, एनटीपीसी पर रखते हो तो ग्रुप डी तो आपका एग्जाम निकल ही जाएगा। और ग्रुप डी के लिए कुछ स्पेशल आपको ये बता देता हूँ कि ट्रिगोनोमेट्री पर ज्यादा फोकस करें। ट्रिगोनोमेट्री के अलावा साइंस के न्यूमेरिकल क्वेश्चन पर, फिजिक्स में जो क्वेश्चन आपके आते हैं, इसके अलावा केमिस्ट्री में जो आपके चेन रिएक्शन वगैरह होते हैं उन पर भी ज्यादा फोकस करें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी टॉपिक हैं जो क्वेश्चन आएंगे वो बिल्कुल एनटीपीसी के सिलेबस जैसे ही होंगे, उनके अलावा कोई भी अलग से चेंज नहीं होगा। इसलिए आपका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तैयारी पर होना चाहिए, इसके अलावा कहीं नहीं। और मेन चीज ये है पेशेंस, अगर आप पेशेंस रखेंगे तो ही आप अपनी तैयारी को स्ट्रांग रख पाएंगे, आगे एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और अभी क्या, अभी आपको तो सीबीटी वन सीबीटी टू भी देना है, और इनमें अच्छे खासे मार्क्स भी लाने, अगर अभी से हार मान जाओगे तो आगे क्या करोगे। सो पेशेंस बनाए रखें और तैयारी करते रहें, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। गाइस, इस वीडियो में हम करेंगे सिल्वर प्ले बटन की अनबॉक्सिंग, जो कि यूट्यूब ने भेजा था, और ये वीडियो मैं बहुत पहले से सोच रहा था कि अपलोड करूं, पर टाइम नहीं मिल रहा था, कंप्लीट भी नहीं थी, तो सोचा ऐसी वीडियो के साथ अपलोड कर देता हूं। तो देखते हैं इसे खोल के इसमें क्या क्या निकलता है। Close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no. I
सबसे पहले जो चीज निकली है वो है एक सर्टिफिकेट है जो कि YouTube ने भेजा है और इस पर सुजैन बोसिस्की के सिग्नेचर भी हैं जो कि YouTube की CEO हैं, आप देख सकते हैं इस पर। और इसमें लिखा, इस पर लिखा हुआ है, यू हैव जस्ट डन समथिंग दैट वेरी फ्यू YouTube क्रिएटर्स अकम्प्लिश, यू हैड एन एस्टोनिशिंग 1 लाख पीपल सब्सक्राइब टू योर चैनल। मतलब सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जिस पर दिया हुआ है कि 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट किए हैं और इस पर साइन भी है। खैर अच्छा लग रहा है इसे भी देख के। और ये रहा हमारा सिल्वर प्ले बटन। गाइस सच बता रहा हूं, कभी मुझे स्कूल टाइम में कभी कोई छोटी सी ट्रॉफी भी नहीं मिली। मतलब खैर बैक बेंचर था हमेशा से, ज्यादा कुछ होशियार नहीं था मैं स्टार्टिंग से और बाद में भी, अभी भी नहीं हूं, अभी भी कंटिन्यू पढ़ाई कर रहा हूं। लेकिन ये जो मुझे मिला है, ये मुझे लगता है मैंने अपनी लाइफ में अगर कोई भी अचीवमेंट ली है तो उसमें सबसे अच्छी अचीवमेंट मैंने ये हासिल की है। और ये आप सब लोगों का प्यार है, आप सब लोगों की वजह से मिला है और इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करता हूं। और इससे बड़ी, इससे अच्छी खुशी शायद मुझे कभी नहीं मिल सकती। आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और भी अच्छी मोटिवेशन वीडियो मिले तो मैं वो भी आपको जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूं। सो चैनल पर बने रहें। और वंस अगेन सिल्वर प्ले बटन के लिए आप सभी का शुक्रिया बहुत।